हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बारे में, जिनका नाम भारत के प्रसिद्ध शहरों में शुमार है, और जानेंगे कि दोनों शहर की खासियत क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद के बारे में, जिसकी स्थापना 1591 ईस्वी में राजवंश के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मोती नदी तट के किनारे कराई थी। इस शहर की आबादी 6.9 मिलियन है। आबादी के हिसाब से भारत का ये चौथा बड़ा शहर है, जो 650 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। मुंबई के शहर स्थापना की बात करें तो 1669 में जो रॉयल ऑंगियर ने बॉम्बे शहर के नाम से कराई थी, जो बॉम्बे शहर के दूसरे गवर्नर भी थे। बाद में 1995 के दौरान शिवसेना सरकार ने शहर का नाम बदल कर मुंबई कर दिया। मुंबई शहर की आबादी 23 मिलियन है। मुंबई जनगणना के अनुसार दिल्ली के बाद भारत का दूसरा बड़ा शहर है, जो 603 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मुंबई के पर्यटन स्थलों की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, जुहू बीच, खूबसूरत पोवई झील और एलिफेंटा आइलैंड जैसे खूबसूरत पर्यटन स्थल मौजूद है। और मुंबई के धार्मिक स्थल जैसे सिद्धिविनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, मुंबा देवी मंदिर और हाजी अली दरगाह जैसे धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे, जहां सैकड़ों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। मुंबई के जैसे ही हैदराबाद के पर्यटन स्थलों की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है, जहां हर साल सैकड़ों की संख्या में हैदराबाद की ऐतिहासिक चारमीनार, गोलकंडा किला, रामोजी फिल्म सिटी, फलकनुमा महल और नेहरू जियोलॉजिकल पार्क जैसे अनेकों पर्यटन स्थल की खूबसूरती को देखने आते हैं। तो वहीं हैदराबाद के भोजन की बात करें तो मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि यहाँ के लाजवाब बिरयानी और ईरानी चाय इतनी मशहूर है, जिसका मज़ा लोग बिस्कुट के साथ लेते हैं। और हैदराबाद के स्ट्रीट फूड में लुकमी अपने स्वाद के लिए जानी जाती है, जिसे लोग तीखी चटनी के साथ बड़े चाव से खाते हैं। मुंबई के प्रसिद्ध स्वादिष्ट भोजन की बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में वड़ा पाव, पानीपूरी चाट, मेंदू वड़ा और सूखी भेल, पाव भाजी, मिसल पाव का नाम आता है। दोस्तों, ये रही हमारे देश के दो बड़े महानगर हैदराबाद और मुंबई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।